हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में आज फिर से। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मॉनसून, बारिश के सीज़न में आपको अपनी गाड़ी किस तरह मेंटेन करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जिससे आपको आगे चल के ज़्यादा खर्चा ना हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम रचित हिरानी है और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ तुरंत ही चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप मिस आउट करेंगे काफ़ी सारे एक्साइटिंग न्यूज़, रिव्यूज़ और कंपेरिजन। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं हम आज का ये टिप्स का वीडियो। दोस्तों, बारिश के सीजन में यह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपनी गाड़ी को मेंटेन रखें, वरना कुछ ना कुछ छोटा बड़े में बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है कार चेकअप। हर कंपनी मॉनसून में कार चेकअप करती है, हर एक ब्रांड ऑलमोस्ट करता है, और ये मेजरली फ्री चेकअप रहता है क्योंकि उन्हें पता है ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए और उनके लिए मनी मेकिंग टाइम भी रहता है। तो मनी मेकिंग छोड़ दीजिए, बट आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जाके फ्री में चेकअप करवाएं, और अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए जो सॉल्व हो जाए तो आपको उसे तुरंत ही करवा लेना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है टायर्स। अब आपके गाड़ी के टायर्स जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी जने नाइट्रोजन डालते हैं क्योंकि वो फटता नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, वो नाइट्रोजन स्कैम है और उस पर मैं आई बटन पे लिंक छोड़ रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं वीडियो जाके। पर आज का टॉपिक जो है मॉनसून है, तो इसलिए मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करूँगा। अब टायर का काम क्या है? टायर का काम है आपको बेस्ट रोड ग्रिप देना, इसलिए वो रबर से बने रहते हैं। रबर जितना सॉफ्ट उतना ज़्यादा ग्रिपी रहेगा। अब जो टायर में कट्स रहते हैं ना, उसे थ्रेड्स कहते हैं, और वो थ्रेड्स का काम रहता है जब सड़क पे पानी रहता है तो उसे हटा देते हैं वो लोग और आपको रोड पे परफेक्ट ग्रिप देते हैं। अब अगर वो कट्स कम हो जाते हैं विद टाइम, फेड होते जाते, छोटे होते जाते, उससे ये होता है कि जब आपकी गाड़ी पानी से जाती है तो वो कम पानी हटा पाते हैं और इसके कारण आपकी गाड़ी स्लाइड हो सकती है। तो आप ये कैसे देख सकते हैं कि आपके थ्रेड पुराने हुए हैं या नहीं? सिंपल है, एक कॉइन ले लीजिए, उसे अंडर डालिए थ्रेड में, जहाँ कॉइन का मैन्युफैक्चरिंग रहता है 2005-16 जो भी साल का है, अगर वो मेजरली पूरा कवर्ड है या हाफ कवर्ड है ना एटलीस्ट, यानी कि आपका टायर्स अच्छे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके टायर्स में वो थ्रेड है और फिर भी आपके टायर्स ने 4 से 5 साल पुराने हो गए हैं, तुरंत ही बदल दीजिए। या थ्रेड जाने चाहिए या शेल्फ लाइफ 4 या 5 साल की पूरी हो गई है, इमीडिएटली चेंज कर दीजिए अपने टायर्स को। टायर्स पे मैन्युफैक्चरिंग डेट हमेशा रहती है, तो इस दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने टायर्स को चेंज कर दीजिए अगर उनको ज़रूरत है। और एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी जने भूल जाते हैं, स्पेयर टायर, उसमें भी हवा भर के रखिए। ऐसे नहीं हो कि आपका टायर पंचर हो जाए और आप देखें कि आपका स्पेयर भी पंचर है, तो आपको वो टायर को रिपेयर करवाना पड़ेगा और बारिश में कभी कभार रिपेयर करने वाले नहीं मिल सकते, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके वाइपर्स। अब अगर आपके वाइपर क्लीन नहीं हुए, आप आगे देख नहीं सकते हो, और जो वाइपर का रबर रहता है वो नॉर्मली हर गर्मी के सीजन में कड़क हो जाता है। हार्ड होने की वजह से उसे यूज़ करना अगेन इज़ एन इशू, क्योंकि वो बराबर साफ़ नहीं कर पाता है और आपकी विजिबिलिटी को वो क्लियरली अफेक्ट करेगा। इसकी वजह से हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने वाइपर्स हर बारिश से पहले चेंज करें, इट्स अ मस्ट। और साथ में ये भी देखिए कि जो आपका वाइपर का वॉश है, पानी है, वो भी भरा हुआ है, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत पड़े इट कम्स हैंडी। इफ़ पॉसिबल एक छोटा सा माइल्ड, एकदम माइल्ड शैम्पू का सैशे लीजिए और उसे उसमें डाल दीजिए, मे बी 2-3 बूंद अगर सारा नहीं डालना है तो, और जब वो आपका वाइपर क्लीन करेगा पानी के साथ, इट क्लीन इट मच बेटर। अब मैं माइल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेंगे तो आपकी ग्लास को अफेक्ट कर सकता है वो, एंड दैट इज़ वॉट यू डोंट वॉन्ट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वायरिंग, वायरिंग चेक कर लीजिए, कहीं खुली हुई है, नंगी तार है तो उस पर तुरंत ही टेप लगा दीजिए, ब्लैक टेप आती है मार्केट में, और आपका जो बैटरी है उस पर आप थोड़ा सा जेल लगा दीजिए, वैसलीन डज द जॉब। ये सब चीज़ों से आपकी गाड़ी शॉर्ट सर्किट नहीं होगी इजीली और आपकी गाड़ी चलती रहेगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोई बताएगा नहीं आपको, आपके कांच पे अगर फॉग जमा हो जाता है, एक तरीका तो है एसी चलाने का
और अगर एसी से भी कभी कभार इफेक्टिव नहीं हुआ तो प्लीज़ हाथ से मत पोछिए, कपड़ा रखिए गाड़ी में और उससे पोछ लीजिए, क्योंकि अगर आप हाथ से पोछते ना तो वो निशान रह जाते हैं उस पर और फिर आपको दिखाई बराबर से नहीं देगा, वो लाइंस बीच में आते हैं, खास करके आप शाम को या रात को चलाए तो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इंश्योर कीजिए जो आपका सेफ्टी किट है, फर्स्ट एड किट, वो गाड़ी में है। दूसरा, आपके गाड़ी में जो फर्स्ट एड किट के अलावा जो टूल किट है उसमें भी सब कुछ है। फर्स्ट एड किट में ये इंश्योर कीजिए कि किसी चीज़ की एक्सपायरी नहीं हो गई हो, वो अभी भी वैलिड हो। अगली चीज़ है पानी, पानी हर बार कैरी कीजिए, कहीं आप फंस गए ट्रैफिक में या कहीं रोड ब्लॉक है, आपको प्यास लगती है या आपको भूख लगती है तो कुछ खाने के लिए भी छोटा सा रख दीजिए स्नैक, जैसे बिस्किट, चिप्स, कुछ भी रख दीजिए बेसिक सा, जिससे आपको खाने में दिक्कत नहीं हो। गाड़ी में चार्जिंग केबल रख दीजिए, क्योंकि आपके फ़ोन की बैटरी लो हो सकती है तो आप फंस जाओगे कहीं और, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसे कॉल कर सके या मदद कि आपको ज़रूरत पड़े या किसी और को पड़े तो इट कम्स इन हैंडी। गाड़ी में नॉर्मली स्मेल आ जाती है बारिश के दिनों में, सो इट्स रिकमेंडेड कि आप एक परफ्यूम लगा दें, और जो आपके फ्लोर मैट्स हैं ना वो डैम्प हो जाते हैं और वो बहुत स्टिंकी हो जाते हैं, तो उसे अवॉइड करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला, आप हर हफ्ते या हर दो तीन दिन में न्यूज़पेपर चेंज करते रहें गाड़ी के अंदर फ्लोर मैट्स के ऊपर। दूसरा, आप फैब्रिक मैट्स हटा के रबर मैट्स लगा दीजिए, या फिर तीसरा, आप प्लास्टिक मैट्स लगा दीजिए। इससे आपकी गाड़ी मैली नहीं होगी और आप उन मैट्स को इजीली निकाल के धो के वापस अंदर डाल सकते हो, आपकी गाड़ी क्लीन रहेगी, स्मेल फ्री रहेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हाइजीन के लिए। अब आपका सवाल आता है कि यार मैंने ये वीडियो देखा है फॉर रेन कोटिंग, सिरामिक कोटिंग, अंडर बॉडी कोटिंग वगैरह वगैरह, क्या ये इंपॉर्टेंट है? इस पे हम एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं, पर उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जनरली जो हमारे मोटर ज्ञान के वीडियोज़ हैं उसमें हमें इतना एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। काफ़ी जने कह रहे हैं उन्हें पसंद आ रहा है, बट द नंबर्स ऑफ ओवरऑल व्यूज़ ऑफ द वीडियो आर नॉट वेरी एनकरेजिंग। तो अगर आप हमें इसे वीडियो को 2000 लाइक्स दिलाएंगे, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाते रहूँगा। टेक केयर गाइज, ड्राइव सेफ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे हम कल फिर से।